हे hey गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग जब भी मी गाउंजी से मिलने जाता है फिर वो अपने शॉप में नहीं होती। लास्ट में तांग सांग को पता चलता है कि ये अभी कैरी कॉलेज में है। अब आगे, अब वापस आने के बाद तांग सांग मेयर से कैरी सिटी का डिटेल मैप को मांगता है और पूछता है क्या इनके पास ये है। इस पे ये कहते हैं इस तरह का मैप है, हाथ से बनाया जाता है और ये काफी कीमती भी होते हैं। मेरे पास एक है मगर काम खत्म हो जाने के बाद तुम मुझे इसे लौटा देना। मैप को लेने के बाद तांग सांग अब अपने रूम में आ जाता है और इस मैप को स्टडी करना स्टार्ट करता है। ये सभी बिल्डिंग और रास्ते को याद कर लेता है। तांग सांग मैप में अपने एकेडमी को भी देख सकता है और ये अब मी गोंजी के एज और जेंडर को नजर में रखते हुए इस मैप में उसके स्कूल को सर्च करता है। तांग सांग को टोटल अभी 12 एकेडमी दिखते हैं इस तरह का, जो कि मी गोंजी के एज के लिए सही भी है। अब कुछ दिन तक तांग सांग अपने क्लास को खत्म कर अपने वेपन्स को फोर्स करता है और फिर ये हर एकेडमी में जाकर मी गोंजी के बारे में तलाश करना स्टार्ट करता है, मगर फिर भी कुछ भी हाथ इसे नहीं लगता। मेयर तांग सांग को एक स्पेशल एरिया दे देते हैं फॉर्जिंग शॉप में, जिसे तांग सांग अपने काम को प्राइवेट में भी करना स्टार्ट करता है और दूसरे इसके काम को देख भी नहीं पाते, बस आवाज ही सुनते हैं अंदर में। तांग सांग अपने रूम में होता है और यहाँ पे दुबई आता है और ये कहता है सेकंड ग्रुप अपने मॉन्स्टर हंटिंग मिशन से आ चुके हैं, इनका रिजल्ट हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ये हाईएस्ट 4 टियर मॉन्स्टर को हंट किए हैं। जब ये ग्रुप नेक्स्ट डे आते हैं फिर दूसरे स्टूडेंट भी इन्हें देखकर हंसी रहे होते हैं क्योंकि तांग सांग का ग्रुप एक हाई आउटकम को पहले ही सेट कर चुका है। सेकंड ग्रुप जो कि हंटिंग मिशन पर गए थे, इनके ग्रुप को इनका टारगेट मॉन्स्टर भी नहीं मिला था, मगर ये कॉम्बैट से काफी कुछ सीखे भी है। जबकि ये हाई लेवल मॉन्स्टर को हंट नहीं किए हैं फिर इन्हें पैसे भी ज्यादा नहीं मिले हैं। टाइम भी पास करता जाता है और थर्ड ग्रुप भी अपने हंटिंग मिशन से वापस आ जाते हैं। इनका रिजल्ट सेकंड ग्रुप से अच्छा ही था मगर तांग सांग के ग्रुप से अच्छा नहीं है। इन्हें इनका टारगेट मॉन्स्टर मिल जाता है और वो इसे किल भी कर देते हैं। इस टाइम पीरियड में वो विंग अब पूरे तरीके से हील हो चुका है और ये प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर चुका है। अब एक और मंथ बीत जाता है और इस समय में सभी मॉन्स्टर के मीट को ईट करते हैं और कल्टीवेट करते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तांग सांग अपने फ्रेंड के साथ में मिलता रहता है और इस कारण से इसका स्किल भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है, जबकि ये इनका ब्लड को धीरे धीरे सॉलो कर रहा था इस टाइम के बीच में। तो फिर तांग सांग का जंपिंग फ्लाइंग स्किल एबिलिटी अब 4 टियर पे जा चुका है और इसका टाइम स्किल भी 3 टियर के पीक पे जा चुका है। तांग सांग फील करता है इसका स्किल अभी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इसे हाई लेवल का ब्लड लाइन चाहिए होगा एब्जॉर्ब करने के लिए, तब जाकर इसका स्किल भी इम्प्रूव कर सकेगा। तांग सांग मी गोंजी को इस टाइम पे सर्च भी नहीं कर पा रहा है तो इससे तांग सांग का मूड भी काफी खराब चल रहा है इन दिनों में। इन मंथ में तांग सांग काफी टाइम में टी शॉप पे भी गया था मगर इसे मी गोंजी वहाँ पे भी नहीं दिख रही है। ये एकेडमी में वापस आ रहा होता है टी शॉप से और आज भी तांग सांग को मी गोंजी नहीं दिखी है। तांग सांग आते हुए याद करता है कि आईए फॉक्स के पास लक एनर्जी होता है। लक भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक गुड और एक बैड लक में, मगर बैड लक अगर आता है फिर आईए फॉक्स इस बारे में पहले ही वार्निंग दे देता है। इस तरह का सिग्नल तो इसे अभी तक नहीं मिला है तो तांग सांग सोचता है कि तो फिर ये अब तक मी गोंजी से क्यों नहीं मिल सका है। जब तांग सांग माउंटेन पर चढ़ रहा होता है फिर इसके आई में हॉट फीलिंग्स भी आना स्टार्ट होता है। इतने में इसे कुछ आवाजें आता है चलने का। इस कैरी कॉलेज में भी काफी सारे नोवल स्टूडेंट स्टडी करते हैं। तांग सांग साइड में रोड में खड़ा होकर इन डीमन स्टूडेंट को देख रहा है। तांग सांग देखता है कि ये डीमन मॉन्स्टर भी कोई नोबल ही हो सकते हैं और इनका ब्लड लाइन भी काफी हायर है। तांग सांग को एक ग्रुप दिखता है इनमें, इसमें काफी सारे ब्लॉन्ड डीमन है और इनके ग्रुप में एक लड़की भी तांग सांग को देखती है। तांग सांग मी गोंजी को इसमें देखता है और ये देख कर तांग सांग भी काफी सरप्राइज है और ये फ्रीज हो जाता है एक पल के लिए। ये देख कर तांग सांग समझ जाता है कि मी गोंजी एक मॉन्स्टर क्लैन की वेसल है मगर किसकी अभी ये नहीं पता है। तांग सांग समझ जाता है कि इसके बॉडी में कोई पावरफुल मॉन्स्टर क्लैन का ही ब्लड हो सकता है। इतने में एक मॉन्स्टर तांग सांग के पास में आता है और ये कहता है तुम क्या देख रहे हो। तांग सांग इस टाइम पे काफी एंग्री भी हो चुका है, हालांकि ये मॉन्स्टर इससे पहले की कुछ कर पाता है मी गोंजी से वापस आने को कहती है। इससे समझा जा सकता है कि मी गोंजी का स्टेटस भी काफी हाई है, जबकि मॉन्स्टर इसका बात मान रहा है। तो फिर तांग सांग भी यहाँ पे शांत हो जाता है और ये अपने सर को नीचे कर लेता है। तांग सांग एक मॉन्स्टर लड़की को मी गोंजी के साथ में देखता है और ये समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर लड़का मी गोंजी के साथ में लव रिलेशन बनाना चाहता है। तांग सांग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये दोनों लव करते हैं एक दूसरे को कि ये एक तरफा ही लव है। हालांकि तांग सांग एक बात से खुश है कि अब मी गोंजी कैरी कॉलेज में आ गई है, जो कि अच्छी बात है। तांग सांग अब वूबिंग के रूम में आता है और काफी जल्दबाजी में ये आता है। ये देखकर वूबिंग भी कहता है क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तांग सांग कहता है मैं कैरी कॉलेज में प्रैक्टिस मैच को करना चाहता हूँ और वैसा प्रैक्टिस मैच जो लंबे समय के लिए चले। ये सुनकर वूबिंग भी सरप्राइज है मगर ये तांग सांग को मना कर देता है क्योंकि ये जानता है कि टीचर भी इस बात पे राजी कभी भी नहीं होने वाले हैं। वूबिंग तांग सांग के हिडन वेपन से भी काफी इंप्रेस है, जबकि तांग सांग ने इसे शो किया है। तो फिर और तांग सांग भी इसे कहता है मैं तुम्हें ये हिडन वेपन को चलाना सिखाऊंगा। तांग सांग कहता है इस हिडन वेपन से एक
इस मॉन्स्टर को किल करना आसान है और एक ही अटैक में वो मारा भी जा सकता है, तांग सांग कहता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के मॉन्स्टर का सामना किया जा रहा है, मगर ये सच है कि इसे एक सिक्स टियर मॉन्स्टर को किल किया जा सकता है। तांग सांग कहता है कि जबकि तुम आइस पावर को कल्टिवेट करते हो, ये हिडन वेपन सही है, तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये दोनों अब बाहर में आ जाते हैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए। दोनों अब बाहर में आने के बाद में एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पे खड़े होते हैं और तांग सांग कहता है, ब्रदर तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? तांग सांग अपने हिडन वेपन को निकालता है और इसमें विंड एलिमेंट को कंडेंस करता है, जबकि तांग सांग टाइगर क्वीन के विंड स्किल को एब्जॉर्ब कर चुका है। उसका विंड पावर भी पहले से काफी अच्छा हो चुका है। वो बिंग देखता है कि तांग सांग ब्लू लाइट को कंडेंस कर रहा है और तांग सांग वो बिंग को कहता है अपने आई शील्ड को यूज करने के लिए। तांग सांग अब शूट करता है और दो ब्लू लाइट वो बिंग आते हुए देखता है। ये भी समझ नहीं पा रहा है कि तांग सांग क्या करना चाहता है, मगर ये अपने आई शील्ड से रेडी होता है और ये प्रिपेयर करता है कोलिजन के लिए। जैसे ही कोलिजन होता है, एक तरह का साउंड सुनने को मिलता है और ये लाइट आई शील्ड को पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है। ये फील कर कि कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ है और ना ही कोई ग्रेट पावर ये फील कर पा रहा है, मगर फिर भी इसका आई शील्ड में पेनिट्रेशन काफी ज्यादा फास्ट होता है और इससे इसका आई शील्ड भी ब्रेक होता है और इसके कपड़े भी फट जाते हैं। वो भी सोचता है कि अगर ये अपने आई शील्ड डिफेंस को यूज नहीं करता तो फिर आज ये काफी सीरियसली इंजर भी हो सकता था। ये सोचता है कि इन दोनों में 30 मीटर का दूरी था, जो कि काफी ग्रेट डिस्टेंस है, मगर फिर भी इस वेपन का पावर इतना दूर आने के बाद भी कम नहीं हुआ। ये सोचता है कि किस तरह का वेपन तांग सांग इस बार में बनाया है। तांग सांग इसके पास में आता है और इससे कहता है, अगर तुम इसके अंदर में अपने आइस कोर नीडल को यूज करते हो फिर इसका पावर भी काफी इंक्रीज कर सकता है और पेनिट्रेशन पावर भी काफी ज्यादा हो सकता है। तांग सांग कहता है, मैं आइस पावर को यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं विंड नीडल को यूज कर रहा था। ये सुनकर वो विंग भी सोचता है कि एक आइस और एक विंड एलिमेंट में काफी डिफरेंस होता है, आइस का पावर ज्यादा है तो इस वेपन से आइस के साथ में पावर भी काफी ज्यादा रिलीज हो सकता है। तांग सांग कहता है, तुम्हारे आइस एलिमेंट मेरे विंड से काफी स्ट्रांग है, मगर तुम्हें इसके साथ में प्रैक्टिस करना होगा। तांग सांग इसे अब एक मेथड को सिखाना स्टार्ट करता है। तांग सांग कहता है, अगर तुम इसके अंदर में आइस नीडल को कंडेंस करते हो और इसे शूट करते हो फिर ये वेपन नीडल को और भी ज्यादा फोर्स के साथ में शूट करता है, जिससे इसका स्पीड और पावर दोनों ही काफी इंक्रीज करता है। इस वेपन को तांग सांग सोल चेजिंग सन भी कहता है और ये बेस्ट हिडन वेपन है हिडन वेपन के लिस्ट में, जबकि तांग सांग इसे इस हिडन वेपन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये किस तरह से काम करता है। फिर वो बिंग को भी समझ में आना स्टार्ट हो जाता है और तांग सांग एक डेमो भी इसे करके दिखाता है अपने विंड एलिमेंट के साथ में। ये एक विंड नीडल को कंप्रेस करता है इस हिडन वेपन में और इसे शूट करता है। ये देख कर वो बिंग एक बार फिर से तांग सांग को ये करने को कहता है। वो बिंग इस हिडन वेपन को देख कर काफी कुछ सोचता है और सोचता है कि इसके साथ में ये क्या क्या कर सकता है, इस तरह से इसका पावर भी काफी इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट जबकि यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, तांग सांग कैफेटेरिया में जाने का सोचता है और फिर ये मेयर को जाकर इस बारे में इन्फॉर्म करेगा और ये कैरी कॉलेज में जाने का परमिशन मांगेगा। तांग सांग को भी पता है कि कैरी कॉलेज में ये जा नहीं सकता प्रैक्टिस मैच को ज्वाइन करके, नहीं तो फिर मास्टर भी समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तांग सांग बिना प्रैक्टिस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए भी कैरी कॉलेज में जा सकता है कुछ दूसरे काम को कैरी कॉलेज में करने के लिए। वो भी 17 इयर्स का है तो ये प्रैक्टिस मैच को करने के लिए कैरी कॉलेज में जा सकता है। नेक्स्ट डे अब तांग सांग आफ्टरनून में मेयर से मिलता है। तांग सांग मेयर को आकर अपने स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है ये न्यू टाइप ऑफ ब्लड लाइन को स्टडी करना चाहता है कैरी कॉलेज में जाकर, और साथ ही तांग सांग अपने टाइम स्किल को भी शो करता है। और ये देखकर मेयर भी काफी सरप्राइज होते हैं कि सर्वेशन एकेडमी में जो टॉप 2 ब्लड लाइन है तांग सांग अभी से हासिल कर चुका है। फिर तांग सांग अपने फ्लाइंग स्किल को भी शो करता है और इसके पीछे दो विंग्स निकल कर सामने आते हैं। तांग सांग इन्हें कहता है, अगर कैरी कॉलेज में कोई पावरफुल ब्लड लाइन अभी स्टडी कर रहा है तो फिर मैं उसके स्किल को सीखना चाहूंगा। तभी तांग सांग कहता है, टीचर मैं कीमती नहीं हूँ, जो कीमती है वो ये मेथड है और मैं आपको ये ऑलरेडी दे चुका हूँ और कोई भी नहीं जानता कि ये टेक्निक का फ्यूचर क्या हो सकता है। और ये बात तांग सांग इस वर्ल्ड में इसे एक्सप्लोर करना चाहता है। तांग सांग कहता है, अगर मैं कभी भी पकड़ा गया तो फिर मैं कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेने वाला हूँ और मैं कह दूंगा कि मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ और मैं अपने स्किल के बारे में भी कुछ भी नहीं कहूंगा। मेयर ये सुनने के बाद कहते हैं, तुम काफी स्मार्ट बच्चे हो, तुम अपने एज से काफी होशियार भी हो, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद गॉड ने तुम्हें यहाँ पे सेंड किया है हमारी हेल्प करने के लिए, मगर फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद तुम्हें मॉन्स्टर ने सेंड किया है हमारे ऊपर जासूसी करने के लिए, मगर मैं पहले वाले पॉसिबिलिटी पे यकीन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैनकाइंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, याद रहे तुम्हें हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। मेयर कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? इस पर तांग सांग कहता है, मैं कैरी कॉलेज में जाकर वहाँ पे साफ सफाई का भी काम कर लूंगा, मगर मैं वहाँ पे स्टडी करना चाहता हूँ वहाँ पे आने वाले मॉन्स्टर के ब्लड लाइन को, और जब ये हंटिंग मिशन के लिए जाएगा फिर इसके जगह पे दूसरा कोई और चला जाएगा। जब ये कैरी कॉलेज में साफ सफाई के लिए नहीं जा रहा होगा तो फिर यहाँ पे कैरी कॉलेज में ना सिर्फ नोवल चिल्ड्रन स्टडी करने आते हैं बल्कि पावरफुल मॉन्स्टर क्लैन के बच्चे भी यहाँ पे स्टडी करने आते हैं कैरी कॉलेज में। कैरी कॉलेज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट टीचिंग सेक्शन, इसमें
टोटल 6 बिल्डिंग्स हैं। सेकंड लिविंग एरिया, कैरी कॉलेज के स्टूडेंट्स ज्यादातर कैंपस में ही रहते हैं। और थर्ड ट्रेनिंग एरिया, और ये ट्रेनिंग एरिया डिफरेंट सेक्शंस में भी डिवाइडेड है स्किल्स और एबिलिटी को लेकर। क्लीनर का जॉब है इस कॉलेज में लेना आसान है। मैं तांगसांग को कैरी कॉलेज के पीछे के गेट से अंदर लेकर जाते हैं एक स्मॉल डोर से और एक स्मॉल हाउस में इंटर करते हैं। यहाँ पे एक ओल्ड मैन है और उसका नाम है ओल्ड माऊ है, और इन्हें मेयर अबे तांगसांग के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद ओल्ड माऊ कहते हैं, अगर ये बच्चा यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा नहीं करता है तो फिर यह ठीक रहेगा। ओल्ड माऊ कहते हैं, अगर तुम कुछ भी घर पर करते हो फिर ना सिर्फ तुम मारे जाओगे बल्कि तुम्हारे कारण यहाँ पे दूसरे भी मारे जा सकते हैं। तांगसांग अब सर हिलाता है। ये कहते हैं, अगर तुम किसी के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करते हो फिर तुम काम कर सकते हो। और ये तांगसांग को लेकर ये इसके काम के जगह पे इसे लेकर जाते हैं, और एक जगह पे आकर अब ये तांगसांग को कहते हैं ये एरिया को क्लीन करने को। ओल्ड माऊ भी यहाँ पे खड़ा होकर देखना चाहते हैं कि तांगसांग अपने काम को कैसे कर सकता है, तांगसांग अपने काम को सही से कर रहा है या नहीं। अब तांगसांग को एक दिन लग जाते हैं इस जगह को साफ करने में। मॉर्निंग में आकर ओल्ड माऊ तांगसांग के काम को देखते हैं। ये देखकर अब ओल्ड माऊ तांगसांग को लेकर खाने के लिए लेकर जाते हैं। अब 2 घंटे रेस्ट करने के बाद ये वापस से साफ सफाई का काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे काम करने के बाद रात में ओल्ड माऊ आकर तांगसांग के काम को फिर से वापस से चेक करते हैं। तांगसांग भी जल्दी में नहीं है, इसे पता है कि अगर ये काम करता रहता है फिर ये मी गोंजी को एक न एक दिन जरूर देखेगा। अब 2 दिन तक ओल्ड माऊ तांगसांग के काम को चेक करते हैं, और तांगसांग के काम को देखकर ये खुश है कि ये अपना काम साफ सफाई का सही से कर रहा है। और फिर ये वापस से सेल्वेशन एकेडमी में चला जाता है। तांगसांग सोचता है कि क्या ये फॉक्स आई के लक पावर को यूज कर ये मी गोंजी के करीब में जा सकता है, और ये सोचकर ये दुबई के पास में आता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दुबई भी अपने मेंटल पावर को इंक्रीज करने के लिए ये काफी सारे स्पिरिचुअल आइटम को खरीद लेता है, जबकि इसके पास में काफी सारे पैसे है। तो फिर दूसरे जो ग्रुप आए थे हंटिंग मिशन से, इन्हें ज्यादा आइटम नहीं मिलता खरीदने के लिए, जबकि ज्यादातर आइटम ये लोग खत्म कर चुके हैं। तो फिर S5 जैंग के साथ में फाइट में इसे ये डिफीट कर देता है अपने टेल हैमरिंग स्किल को यूज करके। तांगसांग दुबई को देखता है और ये इसे बातें करता है, ये डायरेक्टली इसे तो नहीं पूछता, ये घुमा फिरा कर इसे बात करता है और कहता है तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चल रहा है स्पिरिचुअल पावर का। इस पे ये कहता है पॉपर डिमन आई का कल्टीवेशन काफी अच्छा है। तांगसांग कहता है अगर तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो फिर ये फास्ट रिकवरी होने लगेगा, इससे तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी काफी इंक्रीज कर सकता है। अब दुबई कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। इस पर तांगसांग इसे अपने लक स्किल को यूज करने को कहता है, मगर दुबई लक स्किल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, इसे कुछ थिंग चाहिए होता है जिसपे ये फोकस कर सके। तांगसांग अब इसे कहता है लास्ट टाइम तुम डेथ के सिचुएशन में काफी एनर्जी को यूज किए थे और लेवल अप भी किए थे। ये कहकर तांगसांग इसके सर को पकड़ता है और सक्शन फोर्स डेवलप होता है, और तांगसांग अपने ऑरा को चेंज कर किलिंग ऑरा को शो करता है। ये देखकर दुबई भी अब डर जाता है कि तांगसांग इसे इस तरह से डरा भी सकता है, इसका स्पिरिचुअल एनर्जी भी सॉलिडिफाई हो जाता है। तांगसांग इसे छोड़ता है और तांगसांग को एक व्हाइट लाइट दिखता है सर के ऊपर में। ये व्हाइट लाइट लक एनर्जी है 1% का। इस एनर्जी को देखकर तांगसांग को कॉन्फिडेंस है कि ये कल मेई गोंजी से मिल भी सकेगा। इधर दुबई डरा हुआ है और ये कहता है तुम मुझे किल करना चाहते हो। तांगसांग अपने ऑरा को वापस लेता है और कहता है अब तुम बेटर फील कर रहे हो, मैं तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड से ज्यादा डरा सकता हूँ और इससे तुम्हारा लक एनर्जी भी काफी एक्सपेंड कर सकता है, इससे तुम्हें काफी बेनिफिट होगा जबकि तुम डेथ के सिचुएशन में इम्प्रूव करते हो। तो फिर दुबई कहता है कि इसका फॉक्स आई पावर भी खत्म हो चुका है तांगसांग के एक्शन के कारण से। ये सोचता है इस तरह से शायद ये इम्प्रूव भी कर सके। तांगसांग कहता है टीचर को ये बात नहीं पता कि तुम्हारा आई कैसे काम करता है और उनके पास ये आई भी तो नहीं है, मगर जबकि मैं समझता हूँ फिर मैं तुम्हारा हेल्प भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट दुबई अपने रूम में चला जाता है कल्टिवेट करने के लिए, और तांगसांग भी चला जाता है। अब रात भर कल्टिवेशन करने के बाद में दुबई मॉर्निंग में तांगसांग को देखकर कहता है पॉपर डिमन आई और मेरे आई ऑफ स्काई फॉक्स दोनों एक साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं और ये पॉपर डिमन आई भी इम्प्रूव हुआ है रात में। इस पर तांगसांग कहता है पॉपर डिमन आई फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी यूजफुल स्किल बनने वाला है। तांगसांग अब कैरी कॉलेज के लिए निकलता है वापस से काम करने के लिए। ये आकर अब ओल्ड माऊ से मिलता है और ओल्ड माऊ तांगसांग का तारीफ करते हैं और इसे अच्छे से काम करने को कहते हैं। ये सुनकर तांगसांग काम पे जाता है और सोचता है आज इसका लक सच में अच्छा है तो शायद ये मी गोंजी से भी मिल सके, मगर फ्लोर को साफ करते हुए आफ्टरनून हो जाता है और अभी भी कोई भी लक इसका साथ नहीं दिया है मी गोंजी से मिलने का। आफ्टरनून में तांगसांग रेस्ट करने जाता है और साथ ही खाने भी जाता है। जब ये रेस्ट कर रहा होता है एक फिगर आता है, ओल्ड माऊ को कॉल करता है और इसे दूसरे एरिया को तुरंत ही साफ करने को कहता है। ये सुनकर ओल्ड माऊ तुरंत डरते हुए कहता है ठीक है मैं जाकर कर देता हूँ, और ये तांगसांग को लेकर निकलता है उस एरिया की ओर और तांगसांग को इस एरिया को साफ करने को कहता है। यहाँ पे ये दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं और यहाँ पे तांगसांग एक सर्कल रिंग को देखता है। ओल्ड माऊ तांगसांग को आते हुए कुछ गाइडेंस भी देते हैं। अंदर आने के बाद में तांगसांग यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देखता है और ये सभी
मॉन्स्टर्स है और इनमें एक ग्रुप में मी गोंजी भी होती है। इसे देखकर तांगसंग इसे ही देखता रह जाता है। तांगसंग देखता है कि इसके पास में एक पीकॉक मॉन्स्टर भी है और इसके बाल भी काफी सुंदर है। इसे देखकर तांगसंग को डायरेक्टर गुआन का बात याद आ जाता है कि इस सिटी को एक पीकॉक डिमन एम्परर रूल करता है और ये पीकॉक मॉन्स्टर भी उसके क्लाइंट से हो सकता है। तांगसंग को अब सब कुछ समझ में आने लगता है। इस सिटी में मी गोंजी की मदर क्यूँ एक टी शॉप को रन कर सकती है। इनके पीछे में सिटी का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर क्लाइंट है। तांगसंग कहता है मी गोंजी ये पीकॉक क्लाइन की वैसल है और ये पीकॉक क्लाइन में भी प्योरेस्ट ब्लड लाइन के लिए ही काम करती है। इसके टीम में एक और लायन के जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर है और इसके सुनहरे बाल भी है और ये यंग मैन है जो कि लायन क्लाइन से है। इसका कल्टीवेशन 8 टीयर लेवल पे है। तांगसंग देखता है कि मी गोंजी 7 टीयर लेवल पे जा चुकी है। तांगसंग कहता है मैंने एक ह्यूमन को फर्स्ट टाइम देखा है जिसका एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्टेटस है। इस सिटी में लगता है कि यहाँ पे ये अपने प्रैक्टिस मैच को कर रहे थे और इसके खत्म होने के बाद ये यहाँ पे खड़े होकर इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तांगसंग यहाँ पे मी गोंजी को दूसरे के साथ में देखकर जलस फील करता है। ये मी गोंजी को दूसरे के साथ में नहीं देख सकता है। ये सोचता है अब तो इसे फास्ट लेवल अप करना ही होगा। इधर इनका ग्रुप भी यहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पे शांति भी हो जाता है। तांगसंग मी गोंजी को देखता है जो कि अभी भी यहाँ पे अकेले ही है और अंदर ही अंदर ये बोल रहा है प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाना। तांगसंग यहाँ पे साफ सफाई करता है और मी गोंजी को देख रहा है। इधर मी गोंजी भी तांगसंग को नोटिस करती है और इसके डायरेक्शन में आने लगती है। तांगसंग ये देखता है कि ये इस ओर ही आ रही है और ये सोचता है कि ये तो इस ओर ही आ रही है और ये घबराने लगता है। मी गोंजी तांगसंग को देखकर कहती है क्या हम पहले भी मिले हैं। इस पर तांगसंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे टी शॉप में टी खरीदा करता हूँ। ये कहती है लास्ट टाइम जब हम मिले थे तुम उस टाइम से थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हो। तांगसंग इसे देखकर थैंक्स कहता है। अब मी गोंजी भी कहती है तो तुम यहाँ पे काम करते हो अच्छा है और ये पीछे मुड़कर अब यहाँ से चली जाती है। चैतू ये भी सोच रही है कि ये क्यों तांगसंग से जाकर बात की अभी, नॉर्मली तो ये ऐसा नहीं करती है मगर इसे सडनली ऐसा लगा कि ये तांगसंग से जाकर बात करे। मी गोंजी अब यहाँ से जा चुकी है। इधर तांगसंग भी अब आज काम खत्म कर ये अपने रूम में चला जाता है सल्वेशन एकेडमी में और ये दुबई के पास में आ जाता है। तांगसंग कहता है मैं तुम्हें आईए फॉक्स को प्रैक्टिस करने में हेल्प करता हूँ। दुबई कहता है तांगसंग मुझे लगता है कि मेरा लक तुम्हारे पास गाइड करता है और मैं अपने डीमन गॉड चेंज को भी पहले से अच्छे से कर पा रहा हूँ। इधर तांगसंग भी इस लक एनर्जी में इंटरेस्टेड है। अगर ये डेली लक एनर्जी का यूज करे तो ये मी गोंजी को देख सकता है हर दिन और बात भी कर सके शायद, तब तो इसका निकल पड़ेगा। तांगसंग इसका हेल्प करने के बाद ये डिनर करने के लिए जाता है और फिर वापस से आकर दुबई का हेल्प करता है। तांगसंग का भी फॉक्स आई थर्ड रैंक पे ही है। जब तक कि दुबई फिफ्थ रैंक पे नहीं जाता तांगसंग फोर्थ रैंक पे फॉक्स आई को अपग्रेड नहीं कर सकेगा और इस कारण से ही तांगसंग दुबई का हेल्प भी कर रहा है। तांगसंग कहता है इसे स्ट्रॉन्ग बनना ही है नहीं तो फिर ये मी गोंजी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा और जो मॉन्स्टर इसके पीछे पड़े हुए हैं लव रिलेशन बनाने के लिए उससे भी तांगसंग मी गोंजी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। इसे अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा और अपने कल्टीवेशन स्पीड को भी इंक्रीज करना होगा। हालांकि मी गोंजी अभी तांगसंग से ज्यादा पावरफुल है और वो तांगसंग को प्रोटेक्ट कर सकती है ना कि तांगसंग अभी उसको। ये बात सोचकर तांगसंग भी हंस रहा है। अब कुछ दिनों तक तांगसंग यूं ही काम करते रहता है। इन दिनों में तांगसंग अब मी गोंजी को ज्यादातर देखा करता है मगर ये आकर तांगसंग से बात नहीं करती लेकिन तांगसंग पे ये ध्यान देती है। तांगसंग के मन में एक प्लान चल रहा होता है और ये कुछ दिन बाद रात में एक ब्लैक कपड़े को पहनकर रात में निकलता है और ये अपने स्पिरिचुअल पावर को हाइड करता है और टीचर सिरू से बचता है। ये भी जानता है कि इनका पावर गॉड लेवल पे है। अगर ये हाइड नहीं करेगा तो फिर ये पकड़ा भी जा सकता है जो कि अच्छी बात नहीं है। अब तांगसंग सल्वेशन एकेडमी को छोड़कर रात में निकलता है जबकि सभी सो रहे होते हैं। जाने से पहले तांगसंग फॉक्स आई का यूज कर लक पावर को एक्टिवेट करता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब ये कैरी कॉलेज में आ जाता है। यहाँ पे काफी पावरफुल डिफेंस फॉर्मेशन लगा हुआ है कॉलेज में। तांगसंग जल्दबाजी नहीं करता, ये आराम से ही काम करता है और चुप्पे से आगे जाता है। तांगसंग इस टाइम पर जब ये आगे जाता है फिर ये कैरी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को भी देखता है जो कि नशे के हालत में होते हैं ज्यादा वाइन पीने के कारण से। तांगसंग यहाँ से निकलकर अब लाइब्रेरी की ओर में आगे जाता है और यहाँ पे ये कुछ मॉन्स्टर क्लैन के स्टूडेंट होते हैं और इन्हें तांगसंग देखता है जो कि बात कर रहे हैं। रात में ये जाकर वाइन को ड्रिंक करने वाले हैं। तांगसंग इन सब से बचकर ये कैरी कॉलेज के इनर पार्ट में इंटर कर जाता है और ये अपने फेस पे ब्लैक कपड़े भी पहने हुए हैं ताकि इसका फेस ढका रहे। ये कैरी कॉलेज के इनर पार्ट में इंटर कर जाता है और यहाँ पे आगे तांगसंग अब एकेडमी शॉप में आ जाता है। इसने मेयर से सुना था कि कैरी कॉलेज में जो शॉप है इसमें काफी कीमती थिंग और साथ ही काफी अच्छे थिंग्स भी सेल होते हैं। स्टूडेंट के लिए दो गार्ड हैं, दोनों 8 टीयर लेवल पे हैं। इसे पता चलता है कि इसके अंदर में कितना कीमती थिंग हो सकता है। कैरी कॉलेज में एक से ज्यादा गॉड लेवल के पावर हाउस है। अगर तांगसंग पकड़ा जाता है फिर ये तो पक्का ही बचने वाला नहीं है। तांगसंग यहाँ पे छुपा हुआ है और ये एक चांस का वेट कर रहा है अंदर में जाने का मगर इसे अभी भी चांस नहीं मिला है। ये 2 घंटे तक यहाँ पे वेट ही करता है। एक स्ट्रॉन्ग डीमन एप यहाँ पे आता है
है और ये आकर कैंटीन का डोर ओपन करता है और एक गार्ड यहाँ से चला जाता है और एक अभी भी यहीं पे है। तांगसेंग यहाँ पे एक मौके को पाकर अब ये गार्ड से बचते हुए आगे जाता है, फास्ट ये यहाँ से निकल जाता है और ये अपने लियोपार्ड फ्लैश और फ्लाइंग स्किल का भी यूज करता है आगे जाने के लिए। डीमन एक मॉन्स्टर तांगसेंग को नोटिस नहीं किया है। तांगसेंग फ्लाइंग स्किल, टाइम चेंज स्किल और लियोपार्ड फ्लैश इन सब का यूज करता है गार्ड से बचने के लिए। इन गार्ड से बचकर तांगसेंग आगे जाता है। तांगसेंग रेजिडेंशियल एरिया में इंटर करना चाहता है और ये भी जानता है कि आगे में गार्ड और सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट होने वाला है और थोड़ा सा भी गलती और ये बचने वाला नहीं है। तांगसेंग इस टाइम पे यहाँ पे देखना चाहता है कि ये कितना ज्यादा अंदर स्कैरी कॉलेज में जा सकता है, जबकि ये फर्स्ट डे यहाँ पे ट्राई कर रहा है तो फिर इसके अंदर में घुसने का, इससे तांगसेंग को फ्यूचर में इसके अंदर घुसने में भी आसानी होने वाला है जबकि इसे डेंजर लेवल का पता चल जाएगा। तो फिर अब तांगसेंग देखता है कि गार्ड टोर के पास से निकल कर आगे जाता है। तांगसेंग अपने आई पावर का यूज करता है और आगे की थिंग्स को चेक करता है। ये भी जानता है कि अभी के पावर लेवल पे ये इन गार्ड्स को टच भी नहीं कर सकेगा। इस स्टोर के बाहर में भी सिक्योरिटी है और अंदर में भी है। इस स्टोर में काफी सारे वेपन्स, सप्लीमेंट्स, मेडिसिन और मेटल्स हैं। इस कॉलेज का स्टोर भी काफी बड़ा है और इसमें एक वॉल्ट भी बना हुआ है जो कि हैवी मेटल से बना हुआ है। तांगसेंग इस स्टोर को आई पावर से देख रहा होता है और इसके अंदर में घुसने का रास्ता भी सर्च कर रहा है, जबकि तांगसेंग यहाँ पे इस कॉलेज में काम करता है। फ्री अब तक जो भी डिफेंस सर्कल को यहाँ पे देखा है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस सिंपल डिफेंस सर्कल है। तांगसेंग के अकॉर्डिंग तांगसेंग अपने पिछले लाइफ में काफी सारे डिफेंस स्किल को स्टडी किया था तो इसे इस बारे में भी नॉलेज है। हालांकि फॉर्मेशन के कोर को फाइंड करना इसमें काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तांगसेंग अपने बैग से एक पेन और पेपर को निकालता है और इसमें इस वॉल्ट को देखकर इसके चेंज ऑफ एनर्जी पैटर्न को नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। तांगसेंग को इसमें अब एक घंटे का समय लग जाता है मगर इसे पैटर्न मिल जाता है और ये कहता है कैरी कॉलेज काफी स्मार्ट है मगर मुझसे ज्यादा नहीं। ये कहता है अगर इसे इस कोर सर्कल को ब्रेक करना है तो फिर इसे फर्स्ट वॉल्ट से ही इंटर करना होगा, यही एक रास्ता है और इसे ओपन करने के लिए मैजिक सर्कल चाहिए होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनिमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।